हाय गाइस, फेस्टिव सीजन ऑलमोस्ट आ गए हैं एंड हम सबको चाहिए ग्लोइंग एंड क्लीन एंड क्लियर स्किन, हेल्दी बाल और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है फिगर, ताकि हमारे जितने भी ट्रेडिशनल वेयर हैं वो सब के सब हमें फिट आ जाए। सो पॉइंट आता है कि फेस्टिव सीजन में किसी के पास भी टाइम नहीं होता, कभी कहीं जाना, कभी कहीं आना, और उसके बाद अगर कपड़े फिट ना आए, टाइट फील हो और एंड ऑफ द मोमेंट पे आपको पता चले यार मुझे यही आउटफिट पहनना था जो मैंने पिछले साल लिया था और इस साल वो मुझे आ ही नहीं रहा, उसके साथ साथ स्किन की भी बैंड बजी हुई है और बालों की भी बैंड बजी हुई है। सो ऐसी सिचुएशन में बंदा बड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे फास्ट वेट लॉस की, अ जूस डाइट स्पेशली फॉर फेस्टिव सीजन, जो कि बहुत तेज़ी से आपका वेट गिराएगा, आपके स्किन को ठीक करेगा एंड उसके साथ साथ आपके पिगमेंटेशन, एक्ने स्कार्स पे वर्क करेगा एंड उसके साथ साथ आपके जो अनफिटेड कपड़े हैं जो आपको बिल्कुल फिट नहीं आ रहे हैं, इंच लॉस इतना ड्रास्टिक देगा कि 15 से 20 दिन के अंदर आपके जो कपड़े आपको फिट नहीं आ रहे हैं वो ईजिली फिट आएंगे। नाउ फॉर एग्जाम्पल मी, मैंने इस समय फेस पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ, नॉट इवन बीबी क्रीम और कुछ भी नहीं, क्योंकि मुझे अब फटाफट कहीं जाना है आफ्टर द शूट। सो मुझे लगा मैं आपको एक एग्जांपल ही बता दूं। अभी जस्ट मैं एक बीबी क्रीम ले रही हूँ, जस्ट अ ड्रॉप, एंड इसी से मेरा पूरा जो फेस है वो कवर हो जाएगा, मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नॉट इवन अ प्राइमर, न ही कुछ भी हैवी थिक फाउंडेशन, बिकॉज स्किन जो है वो बिल्कुल क्लियर है और मुझे लगता नहीं है कि मेरी स्किन पर इतनी सब चीज़ों की कोई ज़रूरत है। और 5 मिनट लगेंगे मुझे इस समय रेडी होकर शूट करके बाहर जाने में। और ऐसी स्किन पता है किस तरीके से हमको मिलती है, बहुत सारे जूसेस, डिटॉक्स एंड बहुत सारा हेल्दी लाइफस्टाइल, स्ट्रेस हटा के और नींद को पूरा करके। सो अब हम स्टार्ट करते हैं ये डाइट क्या है, इसमें जूसेस कैसे ऐड करने हैं, प्रोटीन्स का कैसे ध्यान रखना है और कैसे कैसे हमें इस डाइट में खाना खाना है। हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। मैं हो गई हूँ 5 मिनट्स में रेडी और इसी तरीके से आप लोगों को रेडी होना है अपने फेस्टिवल सीजन के लिए। नाउ फेस्टिवल सीजन की जो ये मैं डाइट लेके आई हूँ, ये है जूस एंड सूप डाइट काइंड ऑफ, एंड इससे बहुत फास्ट वेट लॉस होगा एंड इसके साथ साथ आपका हेयर स्किन पे भी बहुत अच्छा वर्क होगा। जितने भी महंगे फेशियल करा लो, जितने भी आप कोई भी ट्रीटमेंट ले लो, आजकल तो बहुत ट्रीटमेंट आ रहे हैं स्किन के, बट जब तक आपकी स्किन इंटरनली हील नहीं है, जब तक आपके बाल अच्छे नहीं हैं इंटरनली और अंदर से बिल्कुल कहते हैं ना सॉलिड नहीं है और आपकी फिगर अच्छी नहीं है, आप कुछ भी ले लो, कुछ भी तरीके के कपड़े पहन लो, कुछ भी आप पे अच्छा नहीं लगेगा, आप इरिटेटेड फील करोगे ऑल द टाइम। नेक्स्ट, अभी आपको होमवर्क करना है इस डाइट से पहले, ये वीडियो देखने के बाद आपने अपने वार्डरोब में जाना है, जितने आपके पुराने आपके ट्रेडिशनल वेयर्स पड़े हैं, ब्लाउजेस पड़े हैं आपके, जो भी कपड़े पड़े हैं, नार्कलीस पड़े हैं, आपको वो सब निकालना है, उसको पहन के देखो आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कितना वर्क करना है, कितने इंचेस गिरने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है। हाँ, अगर आपके एक साल में 30-40 किलो बढ़ चुका है वो एक अलग कहानी है, बट अगर आपके थोड़े बहुत किलोज बढ़े हुए हैं और आपको फास्ट वेट रिड्यूस करना है और बहुत तेज़ी से अपनी बॉडी पे काम करना है, देन दिस डाइट इज़ फॉर यू। नाउ ये जो डाइट है ये करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एटलीस्ट हम फास्टिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं फास्टिंग कर रहे हैं जो कि बहुत लो कैलोरी डाइट पे जाते हैं और बहुत लंबे विंडो का फास्ट करते हैं, बट दिस डाइट वर्क अमेजिंग, बहुत अच्छे से वर्क करता है, 15 दिन के अंदर ही आपको बहुत सारी चीज़ें चेंजेस दिख जाएंगी। ये जो डाइट है करने के लिए आपका मेंटल लेवल बिल्कुल स्ट्रिक्ट होना चाहिए, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए कि नो मीन्स नो, कोई भी आपको कहीं पे भी फूड ऑफर कर रहा है, कुछ भी कर रहा है कि चल यार एक बाइट खा ले कुछ नहीं होता, नो मीन्स नो। आगे से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अच्छा सामने वाला बंदा डाइट पे है, कहीं ये बहुत अच्छा ना कर जाए इसलिए उसको ज़बरदस्ती 2-3 चीज़ें खिलाई दो, मतलब किसी का स्यापा करना है तो कर ही दो, बट डोंट वरी, आपको बिल्कुल नहीं खाना, नो का मतलब नो होता है एंड अपने आप को नो बोलना सीखो। अगर हम नो नहीं बोलेंगे तो जस्ट गो विद द फ्लो चलेंगे, तो फ्लो में ही बह जाएंगे, तो फ्लो के साथ नहीं बहना। अगर आपको कोई भी आपकी डाइट के बीच में कुछ भी ऑफर कर रहा है, बीट वेयर एवर यू आर, कोई भी सामने वाले पार्टी है उसको नो बोलना सीखना है। नेक्स्ट, आपकी नींद का पैटर्न बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हमारी 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए एंड अनदर पार्ट इज खांसी जुकाम बुखार, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है ताकि आपको खांसी जुकाम बुखार ना हो, 2 एंटीबायोटिक बॉडी में जाएगी और आपका पूरा डाइट की ऐसी की तैसी हो जाएगी। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अपना वेट अपडेट, मेरे जितने भी मेंबर्स हैं मुझे डेली का वेट अपडेट भेजते हैं, अभी तक मैंने वेट अपडेट चेक नहीं करा उनका, मैं जस्ट चेक करने जाऊंगी आफ्टर दिस वीडियो। आपको अपना वेट अपडेट डेली का किसी एक बंदे को भेजना है, डेली की मील की पिक्चर्स भेजनी है, कोई भी एक बंदा पकड़ लो, ताकि आपकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहे। वेट अपडेट चेक देखा मेरा गले की कितनी बुरी हालत हुई पड़ी है, मैं भी इसी डाइट पे थी एंड मेरे एकदम से झटका पड़ा खांसी जुकाम बुखार का और मेरा पूरा 1.5 हफ्ता गया। ये वीडियो आनी थी मेरी लास्ट थर्सडे को, बट ये अब शूट हो रही है,
सो यही चीज़ आपने नहीं करनी, आपने बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखना ताकि आपको इन्फेक्शंस, खांसी, जुकाम, बुखार ना हो पाए सीजन चेंजिंग की वजह से. अनदर पार्ट, आपको अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है, मेक श्योर आप बहुत स्ट्रांग हेल्दी ऑप्शन चूज करेंगे, या आप कुछ भी नहीं खाएंगे या फिर आप जूस पे आ जाएंगे, वेजिटेबल जूस पे. सो ये डाइट है, इसको कैसे स्टार्ट करना है. सबसे पहले हम बात करेंगे सुबह उठने की. आप सुबह उठ जाएंगे 7 o'clock के आसपास, सुबह उठेंगे आप, फ्रेशन अप होंगे, अपना बिल्कुल जो भी आपके रिचुअल्स आप वो करेंगे, चेक योर वेट ऑन अ डिजिटल वेइंग मशीन एंड सेंड इट टू समवन. अनदर पार्ट इज आप वापस अपनी किचन में जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको लेना 1 चम्मच ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल. नाउ कोकोनट ऑयल के बतेरे बेनिफिट्स है, स्पेशली योर हेयर, योर स्किन एंड योर गट हेल्थ, एज वेल एज योर स्किन ग्लो का पूरा पूरा इंटर रिलेशन है कोकोनट ऑयल से. कोकोनट ऑयल एक बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लेमेशन और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी कैरी करता है. इसके साथ साथ आपकी स्किन के अगर पिगमेंटेशन या फिर आपके रिंकल्स या फिर एजिंग प्रॉपर्टीज़ अभी सारी की सारी आपको दिखने लग गई है, वो भी कोकोनट ऑयल कवर करता है. उसके साथ आपको अगर गट की कोई प्रॉब्लम है, आपको इरिटेटेड बाउल सिंड्रोम्स है या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन का मैसिव इशू रहता है और डाइट करती कॉन्स्टिपेशन आ जाता है, देन कोकोनट ऑयल, ऑर्गेनिक बिल्कुल प्योर कोकोनट ऑयल आपको कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होने देता, एक नेचुरल लेक्सेटिव का काम करता है. कोकोनट ऑयल हमने ले लिया है, 7:30 हो चुकी है. अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, हम लेंगे अपनी मॉर्निंग ड्रिंक. नाउ मॉर्निंग ड्रिंक के अंदर हमें क्या लेना है, हमें लेना पील वाटर. वो वाटर कैसे बनाना है चलते किचन में. ओके, सो ये रहा हमारा मॉर्निंग का रिचुअल फॉर ग्लोइंग स्किन. ये है हमारा ऑर्गेनिक इंडिया का प्योर कोकोनट ऑयल एंड इसका 1 स्पून आपने पीना है, जस्ट 10 मच विद आधा कप गर्म पानी. जब तक इसको पी के हम अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे, तब तक हम रेडी करेंगे हमारा मॉर्निंग ड्रिंक, हमारा पील वाटर. ये है हमारे पास ऑरेंज का पील, ये है नींबू का पील और ये है आधा चम्मच जितनी सौंफ. आप माल्टा, ऑरेंज, मौसम्बी, किसी का भी पूरा एक का पील यूज़ कर सकते हैं. ये डाल दिया जी इसमें मैंने पानी, ये बहुत तेज़ उबला हुआ पानी है. इसको पानी डाल के जब तक हम अपनी बॉडी को रेस्ट देंगे 20 से 25 मिनट, तब तक हम इसको इसके अंदर डिप करके गर्म पानी के अंदर इसको रेस्ट करने देंगे, जब तक ये नॉर्मल पानी पे भी हो जाएगा और सारा पील जो है इसमें इन्फ्यूज़ भी हो जाएगा. ओके जी, हमारे जो पील वाटर है बिल्कुल रेडी है. इसके अंदर जो हमारे फेनल सीड्स आ रहे हैं इसको आने देंगे और हम इसको च्यू करेंगे साथ में. सो दिस ड्रिंक, हमारी मॉर्निंग ड्रिंक रेडी. पील वाटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैट कटर है जो कि आपके लव एंगल्स पे और लोअर बेली पे काम करता है. ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपको हफ्ते के अंदर आपके काफ़ी इंचेस लूज होते हुए दिख जाएंगे और आपको यूरिनेशन बहुत अच्छे से पास होगा, आपकी स्किन पे बहुत अच्छा काम करेगा. रिच इन विटामिन सी है ये पील वाटर हमारा. नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं ब्रेकफास्ट की. नाउ ब्रेकफास्ट का जो टाइमिंग होगा वो 9:30 से पहले पहले हम कवर कर देंगे, मतलब फिनिश करेंगे 9:30 तक. नाउ 9:30 तक अगर हमें ब्रेकफास्ट करना है तो हमें रात को उसकी तैयारी करके सोना पड़ेगा. बहुत सारे लोग होते हैं ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, इजी ऑप्शन पकड़ा दो, एक्स वाई जेड पकड़ा दो. अगर आपको अपनी बॉडी को तराशना है जो कि बिल्कुल मिट्टी हो चुकी है, तब आपको मेहनत करना पड़ेगा. ब्रेकफास्ट के लिए हम बनाने जा रहे हैं पनीर उपमा, चलते हैं किचन में. पनीर उपमा बनाने के लिए यहाँ पे मेरे पास है सरसों का तेल, इसको थोड़ा सा हम गर्म होने देंगे अच्छे से. ओके, हमारा सरसों का तेल गर्म हो चुका है. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरे थोड़े से मस्टर्ड सीड्स. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरे प्याज. नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी शिमला मिर्च. नेक्स्ट थोड़े से बीन्स एंड गाजर. इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी जितनी सूजी. नेक्स्ट इसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़े से मसाले हमारे, सॉल्ट, पिंच ऑफ सॉल्ट. नेक्स्ट थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हमारा जीरा पाउडर एंड पिंच ऑफ हिंग पाउडर. अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी. इसको अब हम बॉईल होने देंगे, पकने देंगे 10 से 15 मिनट के लिए सिम आंच पर. ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास पनीर.
ये हमारी होममेड पनीर है, थोड़ी सी हम इसको टोस्ट करके उपमा में ऐड करेंगे। रहा हमारा उपमा, इसके अंदर हम डालेंगे हमारे सौते की हुई पनीर, ब्रेकफास्ट इज रेडी। वेलकम बैक जी। अगर आपको पनीर उपमा खाने का बिल्कुल मन नहीं है, आप पोहा ले सकते हैं, मेरे चैनल पे उसकी रेसिपी है। आप चीलास ले सकते हैं, दाल के चीले, मेरे चैनल पे बहुत सारे दाल के चीलों की स्टफ़ रेसिपीज़ हैं। ये भी नहीं लेना, आपको अगर खिचड़ी खाने का मन है आप खिचड़ी ले सकते हैं मेरे ब्रेकफास्ट में, एंड ये बहुत सारी रेसिपीज़ ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मिड ब्रेकफास्ट की। नाउ मिड ब्रेकफास्ट का टाइमिंग होना चाहिए 10:30 से पहले पहले या 11 बजे मैक्स स्ट्रेच करके। नाउ मिड ब्रेकफास्ट के अंदर हम लेंगे एक नारियल पानी एवरी सिंगल डे। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं नारियल पानी के। और उसके साथ हम लेंगे एक नारियल की गिरी, जो सूखा नारियल होता है उसकी गिरी, वो मैंडेटरी आपने खाना है। इसके साथ हम लेंगे एक फ्रूट जो होगा रिच इन विटामिन सी। नाउ कौन सा फ्रूट हम ले सकते हैं, माल्टा इस सीजन में बहुत अच्छा आ रहा है, हम कीवी ले सकते हैं, हम पाइनएप्पल्स ले सकते हैं, हम पपाया भी ले सकते हैं, और इन सब को मिक्स एंड मैच करके आप एक पूरा बाउल भर के अपना फ्रूट्स खाएंगे। क्योंकि अगर आपने मिड ब्रेकफास्ट में अच्छे से बाउल भर के फ्रूट खा लिया और ये नारियल पानी और गिरी खा ली, आपको लंच तक आप ओकेश भूख लगी कि कितनी ज़्यादा भूख नहीं है आपको। ओके, एज अ मिड ब्रेकफास्ट हमारे पास है यहाँ पे विटामिन सी का रिच फ्रूट, ये है मेरे पास माल्टा, आप मौसम्बी, ऑरेंज, जो भी मैंने वीडियो में अभी बताया आपको वो, साथ में हमारे पास है कोकोनट की गिरी एंड वन नारियल पानी, ये हम लेंगे हमारे मिड ब्रेकफास्ट में। अब लंच की हम बात करते हैं। लंच में हम लेंगे 2 बजे से पहले पहले हम अपना लंच खत्म करेंगे। लंच के अंदर हम लेंगे हाई प्रोटीन सैलेड्स। मेरे चैनल पे लोबिया सैलेड है, राजमा सैलेड है, ब्लैक चना सैलेड है, वाइट चना सैलेड है। इन सैलेड में से कोई भी एक सैलेड आपको पिक करना है, खूब सारी सब्जियां डालनी है जितनी आपके घर पे पड़ी हुई है, प्याज, टमाटर, हमारा खीरा, कैप्सिकम, ब्रोकली, जुकीनी, आपके पास जितनी सब्जियां पड़ी हुई हैं सारी सब्जियां आप इसमें ऐड करो। कोशिश करो सॉल्ट ना लो आप अपने लंच में, बट अगर आपको बहुत ज़्यादा बीपी लो का इशू है देन यू कैन ऐड सॉल्ट एंड उसको हम गुड टू गो अपने लंच में ऐड करेंगे। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इवनिंग टी की। नाउ इवनिंग टी के अंदर सबसे बढ़िया जो आज के टाइम पे मुझे लगती है टी, मैंने पहले इसके ऊपर क्यों नहीं वर्क करा या पहले मुझे ये वाली औषधि क्यों नहीं मिली, इट्स अ शतावरी टी। अमेजिंग रिजल्ट्स है इसके, आपके हॉर्मोन्स को बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस करेगी, आपकी भूख को कंट्रोल करेगी, आपको भूख एक्स्ट्रा नहीं लगने देगी, आपके स्ट्रेस को रिलीव करेगी एंड उसके साथ साथ आपका यूरिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग पास होगा, आपकी जो स्वेलिंग होती है ना इवनिंग के आते आते तक, अगर आप 4:30 बजे आप इसको ले लोगे, यू विल फील लाइट अराउंड 8:30 और 9:00 के आसपास नाइट में, क्योंकि ये इतना अच्छा आपको क्लीन कर देती है, इतना अच्छा आपको फ्लश ऑफ कर देती है, आपको लगेगा यार सुबह मेरा वेट पक्का कम आएगा। सो हम लेंगे शतावरी की टी, ये रहे मेरे चैनल पे शतावरी टी। इसके साथ आपने स्नैकिंग करनी है। नाउ स्नैकिंग में हम यहाँ पे लेंगे कोई भी फ्रूट का बाउल अगेन। नाउ फ्रूट के बाउल में आपके पास कोई भी सीजनल फ्रूट है, कोई सा भी, आपके पास एप्पल है, बनाना है, पियर है, गुआवा आ चुका है बहुत सारे एरिया में, वहाँ पे अगर गुआवा आपको मिल रहा है देन आप वो लो, अमरूद हमारे, एंड अगर आपको चीकू मिल रहा है सबसे बेस्ट, एक या दो चीकू आप ले सकते हैं। ओके, इवनिंग टी, ये रही मेरे पास शतावरी, इसकी मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है, ये मैंने अपने लिए बनाई है, ये मैं डेली लेती हूँ और इसके बेनिफिट्स अमेजिंग है। और ये रही हमारी शतावरी की ड्रिंक, और साथ में मैं ले लूँ एप्पल और कीवी नहीं, बट अभी भूख नहीं है इतना, बट यस इवनिंग टी हम लेंगे शतावरी, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और साथ में कोई भी एक सीजनल फ्रूट। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डिनर की। नाउ यहाँ पे डिनर का जो टाइमिंग मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी वो बताऊंगी 6:30 और 7:00 तक आपका डिनर खत्म कर लो। 6:30 स्ट्रेच करना मैक्स टू मैक्स। इसमें हम लेंगे सूप या फिर जूस, गट के जूसेस। नाउ जूसेस कौन कौन से लेने हैं मैं यहाँ पे 3 टाइप के जूसेस बताऊंगी आपको, चलते हैं किचन में। डिनर के लिए हमें बनाना है जूस। सबसे पहले जूस हम बनाएंगे खीरा और घी का, ये अच्छे से वॉश कर लिया मैंने, घी बहुत पतला सा हमें चाहिए, लाइक 250 ग्राम्स जितना, एंड बिल्कुल पतला, एकदम हैवी जो घी होते हैं वो यूज़ नहीं करना, और घी को पहले टेस्ट कर लेना, ये कड़वा नहीं होना चाहिए। अच्छे से हम इसको पील करेंगे, पील ऑफ। सो ये बिल्कुल रेडी है फॉर जूस, घिया एंड खीरा।
ओके जी, सो हमारा ग्रीन जूस बिल्कुल रेडी है. नेक्स्ट जूस हमारा रेड जूस होगा. इसके लिए मुझे चाहिए एश गार्ड. मैंने यहाँ पे एश गार्ड के स्लाइसेस लिए हैं. यहाँ पे मेरे पास 3 करेला है जिसके मैंने सीड्स रिमूव किए हैं. 1 बीटरूट है मेरे पास पूरा. एंड अब हम इन सब का बनाएंगे जूस. और फ्रेश एश गार्ड लेना, हमें सब्जी मंडी में ईजिली मिल रहा है. ओके, हियर वी गो, आवर रेड जूस रेडी. नेक्स्ट हम बनाएंगे एश गार्ड का जूस. ये हमारा एश गार्ड है. दिस इसका जस्ट जूसर में जूस निकाल के पीना है. जस्ट 1 फुल ग्लास, दैट्स इट. वेलकम बैक. अगर आपको जूसेस लेने का मन नहीं है, ट्रस्ट मी ये जूसेस इतना अमेजिंग काम करेंगे आपकी बॉडी पे. आपका नेक्स्ट डे मॉर्निंग में आराम से वेट शेड होता दिखेगा. यू विल फील लाइट, यू विल फील एनर्जी बहुत ज़्यादा है आपकी बॉडी के अंदर. आप हील हो रहे हो, आप ठीक हो रहे हो इन जूसेस से. एंड आपको पर्सनली फीलिंग होगा कि मेरा वेट कितना जल्दी शेड हो रहा है और मैं बैक टू शेप में आ रही हूँ. नेक्स्ट, अगर आपको जूसेस लेने का बिल्कुल मन नहीं है, बट मैं यहाँ पे बोलूँगी 100% आप जूसेस लो. एटलीस्ट 1 महीने के लिए रखो अपने आप को इस डाइट पे, या 20 दिन के लिए रखो और उसके बाद आप मिरेकल चेंजेस देखोगे अपनी बॉडी के अंदर. बट अगर आपको जूसेस लेने का बिल्कुल मन नहीं है, यू कैन रिप्लेस इट विद सूप्स. मेरे चैनल पे बहुत सारे सूप्स की रेसिपी है. चिकन सूप भी है, टमाटो सूप भी है, पम्पकिन सूप भी है. कोई भी आप सूप इनमें से पिक कर सकते हो, आप ले सकते हो. बट मेक श्योर आप जूसेस प्लीज़ लेना. नाउ 7 बजे के बाद आपको कुछ नहीं लेना. नो नाइट ड्रिंक, नथिंग. जितना प्यास है उतनी पानी लो और 10 बजे आप अपना सोने चले जाओ. नेक्स्ट डे मॉर्निंग बॉम्ब. बहुत अच्छा आपका वेट लॉस होगा. बहुत बहुत अच्छा वेट लॉस होगा. एंड यू विल फील लाइक कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आप बहुत अच्छे से लीन दिखने लग जाओगे. एंड आपको फीलिंग आएगी कि यस, ये चीज़ ऐसी है जो मेरे पे वर्क कर रही है. बट इस डाइट को हमें लाइफस्टाइल नहीं रखना, हमको एक कुछ कपल ऑफ किलोज जो है वो शेड करके बैक टू मेंटेनेंस पे आना है. आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल. एंड नॉर्मल पानी का ध्यान आपने रखना है, 3-3.5 लीटर, इससे ज़्यादा नहीं. और फ्रिज का पानी तो बिल्कुल नहीं पीना, नॉर्मल पानी पीना है. आई होप दिस वीडियो इज यूजफुल, सो गिव इट अ थम्स अप. जिन जिन लोगों को लगता है कि भैया फेस्टिवल पे खुले कपड़े पहनने, कोई खुले कपड़े नहीं पहनने. फिटेड कपड़े पहनेंगे, फिटिंग में आएंगे अपनी प्रॉपर एंड अच्छे दिखेंगे. एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड का रोका है 1 सितंबर को. मैं खुद इस डाइट पे हूँ टू बी ऑनेस्ट. एंड मुझे बहुत अच्छा दिखना है. सो इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ पे फॉलो करते हैं. एंड वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं जिगजैग डालती रहती हूँ ताकि आप मोटिवेट रहो, हम मोटिवेट रहें, आप से हम से आप. सो या दैट्स इट. एंड आई विल सी यू सून. टेक केयर जी, बाय बाय.